तो दोस्तों, अगर आप लोग 2024 में होंडा की SP125 लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं होंडा SP125 की अच्छाइयां और इनकी बुराइयां, दोनों चीजें बताएंगे। फिर आप लोग डिसाइड करिएगा लास्ट में कि आप लोग को SP125 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और लास्ट में हम अपना ओपिनियन देंगे कि क्यों इस बाइक को आप लोग को लेना चाहिए और किस लिए आप लोग को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, और जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छी चीजें से, क्योंकि बुराइयां जो है ना उसको हम आपको लास्ट में बताएंगे इस बाइक की। तो दोस्तों, जो पहली अच्छी चीज मुझे लगती है जो इस बाइक में, वो है इस बाइक का माइलेज। तो आपको बता दें कि इसमें आपको जो माइलेज मिलता है ना, काफी बेहतरीन मिलती है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग कहते हैं, कमेंट करके बोलते हैं मेरे पिछले वीडियो में कि मुझे इसकी SP125 में इतना माइलेज मेरी बाइक नहीं देती है। तो आपको एक चीज बता दें, तो अगर आप लोग मीटर कंसोल के ऊपर देखेंगे तो एक लाइट जलती रहती है ग्रीन कलर की, वो एक इको इंडिकेटर लाइट है, जो कि जब आप लोग इको स्पीड में बाइक को चलाते रहेंगे तो वो आप लोग को जो लाइट है ना ब्लिंक करती रहेगी, और आप लोग इको स्पीड से ऊपर जाते हैं तो वो जो लाइट है ना वो आपको बताएगी, इंडिकेट करेगी कि आप लोग इको स्पीड में चल रहे हैं या फिर आप लोग कहते हैं उससे ओवर स्पीड में चल रहे हैं। तो सिटी में जो बाइक है ना, आपको 55 तक का माइल आपको आराम से दे देगी, लेकिन अगर आप लोग इसे हाईवे पे चलाते हैं तो आपको बता दें कि ये जो बाइक है ना 65 तक का भी माइलेज आपको आराम से दे देगी, क्योंकि हाईवे पे जो स्पीड होता है ना वो आपको कांस्टेंट रेट, यानी कि कहते हैं एक एक्यूरेट, मतलब एक लेवल में आप लोग चलाते रहते हैं, तो इसमें आपको हाईवे पे आपको 65 तक का भी माइलेज आपको ये बाइक आपको आराम से देखने को दे देती है। तो अब आप लोग नीचे बताना कि आप लोग को जो माइलेज मिलता है ना, आप लोग को इस बाइक से कितनी देखने को मिल जाती है 2024 मॉडल में। और दूसरी जो अच्छी चीज इस बाइक में लगती है वो है इसका इंजन रिफाइनमेंट। तो इसका जो इंजन है ना बहुत रिफाइन है, तो आप लोग इस बाइक का जो टेस्ट राइड है ना आप लोग शोरूम पे जाके ले सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम आप लोग जो बाइक का टेस्ट राइड लीजिएगा, शोरूम वाले से जाके डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा कि हमें न्यू मॉडल 2024 मॉडल का टेस्ट राइड लेना है, न कि पुराने मॉडल का। उसके बाद आप लोग जब बाइक को राइड करेंगे ना, तो आप लोग इसके इंजन के रिफाइनमेंट को आपको खुद फील होगा कि इसका जो इंजन है ना काफी रिफाइन है। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि जो होंडा के इंजन की जो लाइफ होती है ना वो काफी ज्यादा होती है, तो आपके इंजन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। बाकी कंपनी से कंपेयर करते हैं ना, तो उसके कंपैरिजन इसका जो इंजन की लाइफ है ना काफी लंबी समय तक रहेगी। और अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगले अच्छी चीज की बात करते हैं, वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो फ्रंट ब्रेक मिलता है ना, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ा डिस्प्लेट मिलता है, लेकिन जो डिस्प्लेट मिलते हैं वो आपको मिलती है 240 mm का। और आपको बता दें, इसमें आपको ड्रम मॉडल भी मिलता है फ्रंट में, जिसमें आपको 130 mm का फ्रंट में डिस्क मिल जाएगा, लेकिन हाँ रियर में आपको डिस्क ब्रेक का सपोर्ट नहीं मिलता है। रियर में दोनों ही वेरिएंट में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। तो अगर आप लोग इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है ना, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा कि अगर आप लोग पिछला ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो अगला ब्रेक होता है ना वो ऑटोमेटिक साथ में अप्लाई होता है, तो इसकी वजह से आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं वो आपको काफी बेहतरीन मिल जाती है। और अगर आप लोग दोनों ब्रेक साथ में अप्लाई करना, मतलब आप लोग की आदत है आगे और पीछे दोनों वाली ब्रेक साथ में लगाने की, तब आपको इस बाइक में आपको काफी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। इसकी वजह से आपको इसमें आपको जो सेफ्टी मिलती है ना वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। और अगर अगले अच्छी चीज की बात करते हैं, वो है इसका परफॉर्मेंस, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि पिकअप आ जाता है, सीटिंग कंफर्ट आ जाता है, हैंडलिंग आ जाती है। तो आपको बता दें कि ये सारी चीजें इस बाइक में आपको काफी अच्छी मिलती है। तो अगर आप लोग की हाइट जो है ना 5.2 से लेकर 6.2 तक भी है ना, तो इस बाइक में SP125 में आपको चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मुझे काफी अच्छा लगता है कि इसमें आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है ना वो भी काफी बेस्ट देखने को मिल जाती है होंडा की तरफ से। और अगर हम अगले की कहते हैं अच्छी चीज की बात करते हैं, तो वो है इस बाइक का गुड फॉर डेली कम्यूट। तो आपको बता दें कि अगर आप लोग डेली कम्यूट करना चाहते हैं, जिसमें आपको लुक डिसेंट मिले, थोड़ा सा लुक स्पोर्टी मिले, और आप लोग को डेली 40-50 किलोमीटर चलाना है, तो ये बाइक आप लोग के लिए बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा वेट करिएगा। अब बताएंगे इसकी बुराइयों की बात, क्योंकि अभी तक तो हम आपको इसकी अच्छाइयां बताए थे, खूबियां बता रहे, तो आप लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, लेकिन अब इसमें आपको बताते हैं कुछ बुराइयां इस बाइक में है, जो कि मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि होंडा कंपनी को इस बाइक में सुधार करने की जरूरत है। आप लोग भी इससे एग्री करेंगे, तो आप लोग इसे एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, डिसएग्री करते हैं तो नीचे कमेंट करके वो भी बताइएगा। तो सबसे पहले जो चीज निकल के आती है मुझे इस बाइक में लगती है खराब, वो है इसका गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम। तो ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है ना कि हर चौथे मतलब यूजर के पास ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब इस बाइक का आप लोग गियर लगाते हैं ना, तो आप लोग का जो गियर है ना वो फंसता है, और साथ ही साथ जब आप लोग इसे डाउन शिफ्ट करते हैं या फिर अप शिफ्ट करते हैं, यानी कि तीसरे से अगर आप लोग सेकंड गियर में
लगाते हैं तो आपकी जो बाइक है ना सेकंड गियर पे नहीं आती, डायरेक्ट न्यूटर हो जाती है। या फिर फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाते हैं तो भी आपकी जो गियर है ना वो फर्स्ट के कहते हैं आपकी जो बाइक है ना न्यूट्रल हो जाती है। तो इसमें जो गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम है ना ये तो इसमें कंफर्म है कि ये मिलता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर हमको बताते हैं और साथ ही साथ आप शोरूम पे जाएंगे सर्विसिंग कराने जो कस्टमर आते हैं उनसे भी पूछेंगे ना तो वो भी आपको बता देंगे ये प्रॉब्लम। और अगर अगली बुराई की बात करते हैं तो वो है इसका कहते हैं ब्लूटूथ फीचर्स, क्योंकि इसमें आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं मिलता है, ना ही यूएसबी पोर्ट चार्जर मिलता है। वहीं जो हीरो की स्प्लेंडर प्लस आती है 100cc की, उसमें भी आपको ये सारी चीजें मिल जाती है, यूएसबी पोर्ट चार्जर, डिजिटल मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, ऐप कनेक्शन सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको कॉल एसएमएस अलर्ट सिस्टम देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें ये चीजें मिसिंग है स्टार्टिंग से ही। तो अब 2024 चल रहा है, अब इस बाइक में होंडा कंपनी को एटलीस्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे देना चाहिए, क्योंकि सभी बाइकों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी कंपनियां दे रही हैं लेकिन इसमें अभी भी नहीं मिलती है। अगले बुरी चीज की बात करते हैं तो वो है इसका सस्पेंशन। तो आपको बता दें कि अगर आप लोग इसका कहते हैं अगला सस्पेंशन देखते हैं तो वो आपको काफी बेहतरीन मिलता है, लेकिन अगर आप लोग पिछला वाला सस्पेंशन देखेंगे ना तो वो आपको टाइट मिलती है। जब आप लोग इसका टेस्ट राइड लेने जाएंगे शोरूम पे तो आप लोग इस बाइक का जो रियर सस्पेंशन है ना उसे अगर आप लोग किसी गड्ढे वड्ढे में कूदती है बाइक तो आपको जो खुद फील होगा ना कि आपको झटका फील होगा पीछे से। जो सस्पेंशन है ना काफी हार्ड मिलता है पीछे वाला, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा और ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए होंडा कंपनी की तरफ से। और अगर हम अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वो है वाइब्रेशन प्रॉब्लम, जो कि बहुत सारी बाइकों में मिलती है तो इसमें भी मिलती है। तो इस बाइक में आपको वाइब्रेशन तो फील होता है लेकिन ज्यादा फील नहीं होता, लेकिन हाँ इसमें वाइब्रेशन है तो मुझे इस बाइक की ये प्रॉब्लम लगती है। तो इसके हैंडल बार में वाइब्रेशन मिल जाता है, फुटरेस्ट में मिल जाता है और साथ ही साथ फ्यूल टैंक में आपको कहते हैं हल्का फुल्का वाइब्रेशन देखने को मिल जाती है। और अगर हम अगले के कहते हैं चीज की बात करते हैं वो है इसका नॉट कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग राइड, क्योंकि इसकी जो सिटिंग कंफर्ट है ना वो तो अच्छी है लेकिन अगर आप लोग इसे सिटी राइड करते हैं ना तो आपको बेस्ट के कहते हैं इसमें सिटिंग कंफर्ट मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे जाते हैं लंबी दूरी कहते हैं करना चाहते हैं एसपी 125 से तो इसमें आपको जो सिटिंग कंफर्ट मिलता है ना उसमें आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा इसके सीट से, क्योंकि अगर आप लोग 50-60 किलोमीटर चलाते हैं उसके बाद आपको डेफिनेटली रुक के थोड़ा सा ब्रेक लेके आगे का रास्ता तय करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है ना कि ये नॉट कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग राइड बाइक है। तो सिटी राइड के लिए बेस्ट है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग राइड के लिए। तो दोस्तों मैंने इस बाइक की 5 अच्छी चीजें बता दी और साथ ही साथ 5 के कहते हैं इसकी बुराइयां बता दी, कमियां बता दी जिसे होंडा कंपनी को सुधार करने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि आप लोग को इस बाइक को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। उससे पहले आप लोग कमेंट में जाके अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आप लोग इस बाइक को लेके क्या सोचते हैं, क्या इसमें अच्छी चीजें लगती है, क्या इसमें कमियां लगती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोग को इस बाइक को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस बाइक में कमियां तो मैंने बताई है, लेकिन हाँ अगर आप लोग इन कमियों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी कमी नहीं है, तो अगर आप लोग इन कमियों को अवॉइड कर सकते हैं तो ये जो बाइक है ना 125 सेगमेंट में सबसे बेहतरीन बाइक है, क्योंकि एसपी 125 को मैंने भी चलाया है, ये जो बाइक है ना काफी बेस्ट है। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जो सवाल होता है ना कि क्या इसकी रीसेल वैल्यू है, तो आपको बता दें कि होंडा की एसपी 125 ले लीजिए या फिर होंडा की साइन 125 ले लीजिए, दोनों ही बाइकों को जो रीसेल वैल्यू मिलता है ना काफी बेस्ट देखने को मिल जाती है। तो आप लोग डेफिनेटली इस बाइक के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए डिसएडवांटेज एडवांटेज के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को बताइएगा कैसा लगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो अपने रिस्पेक्ट लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट हो, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।